बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात सामने आ रही हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से FIA के ज़रिए मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें इमरान इस्माइल को 15 अगस्त, सीमा ज़िया को 12 अगस्त, साबिक स्पीकर असद कैसर महमूद रशीद को भी तलब किया गया है। अब ये रहनुमा FIA के रूबरू पेश होंगे और बताएंगे ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या ममनुआ फंडिंग केस को बहुत ज़्यादा इजी ले लिया था, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान माजी में अपने पार्टी वर्कर्स को और पार्टी रहनुमा लीडर्स को ये कहते नज़र आए थे कि ममनुआ फंडिंग केस में कुछ भी नहीं है, आप लोग सब ईजी रहे। 2018 के इंतखाबात से पहले भी इमरान खान ने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इस केस में कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन ममनुआ फंडिंग फॉरेन फंडिंग साबित हुई। क्या गिरफ्तारियां और सजाएं भी हो सकती हैं? अभी तो फिलहाल तलबी ही हो रही है। और प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 14 अगस्त को एक बड़े पावर शो का परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में कह दिया, ऐलान कर दिया है, कहा कि बड़ी अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से। एक तरफ तो PTI वफाकी हुकूमत की जानिब से, वफाक की जानिब से दबाव का शिकार नज़र आ रही है, जहाँ पर FIA की जानिब से वहाँ पर तलबी पेश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। दूसरी जानिब PTI एक बड़े पावर शो के लिए भी तैयार है। क्या तहरीक इंसाफ ने जारहाना हिकमत अमली को जारी रखने का फैसला किया है? और ख़बर यह भी है कि 30 दिन की मोहलत इमरान खान देंगे 14 अगस्त को मौजूदा वफाकी हुकूमत को आइंदा आम इंतखाबात के लिए। उसके बाद में फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि फिर रास्त इकदाम होगा, वो रास्त इकदाम क्या हो सकता है? जारहाना सियासत की पोजीशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बरकरार है। प्रोग्राम के आखिर में बात होगी, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से तलबी के नोटिस मिल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, अब सूबों के ज़रिए उसका जवाब दिया जा रहा है। फवाद चौधरी को की जानिब से ये कहा गया है, शेख रशीद साहब की जानिब से भी ये कहा गया है कि पंजाब में जो 25 मई को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई थी, उस हवाले से वफाक से जवाब लेंगे। फिर फवाद चौधरी साहब ने आज ये भी कहा कि 24 अरब रुपए का मुलज़िम हमजा शहबाज लंदन फरार हो गया, और 2 करोड़ की तहकीकात के लिए पंजाब से FIA की 5 टीमें जो तरतीब दे दी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कि वो अब कार्रवाई करेंगी, तो 2 करोड़ रुपए की तहकीकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वहाँ पर की थी। तो क्या वफाक का जवाब सूबों में मामला अदालतों में हल होते नज़र आ रहे हैं? इस पर बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब और सीनियर तजियाकार मुना आलम साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ FIA के रडार पर आ गई है, तलबियां भी शुरू हो गई हैं, क्या गिरफ्तारियां और सजाएं भी होंगी? भाई पहले तो लोग NAB से डरते थे, अब FIA लॉन्च कर दी जाएगी, और अगर अगली हुकूमत कोई आएगी तो पता नहीं वो FIA को भी शायद बंद करना पड़ जाए, कि वो सहेंगे ये तो सियासी एंगल से तमाम तहकीकात करते हैं या मामला को परसू करते हैं, मुझे नहीं पता हम कहाँ जाकर रुकेंगे बहसीत कौम। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि कानून जो है वो दलील पे बेस्ड है, हमारा कानून कोई भी कानून दलील पे बेस्ड होता है। तो जो कानून है जिसके तहत ये सारा मामला उठाया जा रहा है ममनुआ फंडिंग का, ममनुआ फंडिंग उसके 2 हिस्से हैं। पहला ये कि ममनुआ फंडिंग किससे ली गई, और यह डिटर्मिन करना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। और उसके अंदर कुछ ऐसे अगर ममनुआ एंटिटीज़ हैं, ममनुआ शख्सियात हैं जिनकी तरफ से फंडिंग आई है, तो उसका इलाज बड़ा सिंपल है कि उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। इसका एक दूसरा हिस्सा भी है, दूसरा हिस्सा ये है कि जितना आपको ममनुआ फंडिंग मिली ऑर्गेनाइजेशनली किसी हुकूमत या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो कि बाहर की है, तो क्या आपने उनके कहने पे अपने मुल्क को कोई सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी को नुकसान पहुँचाया? यानी आपने कोई उनके कहने पर अमल किया और अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, रियासत को नुकसान पहुँचाया? तो अगर वो है तो फिर उस सूरत में जाहिर है कि एक ऐसा अमल शुरू होता है जिसके अंदर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का अमल होगा, कि ये फॉरेन फंडेड या फॉरेन एडेड पार्टी जिसका मकसद टोटली डिफरेंट था। तो ये इन 2 चीज़ों में कंप्लीट करना, इसको इस पूरे सवाल को का जवाब देना बहुत लाजमी है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि एक एक लाइन के ऊपर जाके, क्योंकि ये जब मामला गया है इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक सिर्फ एक शो कॉज नोटिस दिया है, इस शो कॉज नोटिस का जवाब वो मांग रहा है इलेक्शन कमीशन। जब वो मांग लेगा जवाब, बेशक हुकूमत जितने मर्जी नायली के रेफरेंस भेजे वहाँ पे, लेकिन उनको अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेट करके इनका जवाब लेके देखना है। उसके बाद अगर वो कोई ऐसा
अमल करते हैं जिसमें कोई लीडर या किसी पार्टी के बारे में, तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जाहिर है फिर वहाँ पे एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड है, एक ऐसा फोरम है जिस पर दोनों अतराफ को मौका मिलेगा कि वो अपनी बात मुकम्मल तौर पर कह सकें, और एक एक लाइन के मुताबिक फिर ये के देखा जाएगा दलील के हिसाब से कि क्या जिस किस्म का इजहार किया गया है किसी भी एक पार्टी की तरफ से वो इन पर साबित होता है या नहीं, और अगर नहीं होता तो जाहिर है कि फिर कानून अपना रास्ता वहाँ से इख्तियार करेगा और जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक। तो मेरा ख्याल है कि अभी बहुत जल्दी है कि हम इन तमाम चीज़ों पे पहुँचें, लेकिन इससे एक ऐसा इश्ताल हमने ज़रूर शुरू कर दिया है जिसका जवाब आपके अगले सवाल के जवाब में हम देंगे जो आपने जिक्र किया, लेकिन इश्ताल की कैफियत बढ़ जाती है जब आप इस किस्म के सियासी हरबे इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनलिटी। क्रिमिनलिटी को पहले इस्टेब्लिश नहीं किया, लेकिन क्राइम को सपोज करके उसको पोलिटिसाइज करके नैरेटिव बिल्ड करके कहानी बेची जा रही है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि इससे तो बचना चाहिए, कौम को नुकसान है, मुल्क को नुकसान है, दोनों तरफ से कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पीटीआई करती है वो भी गलत करती है, जो ये करते हैं ये भी गलत करते हैं। तो आप समझते हैं चौधरी साहब, अब जो एफआई के जरिए तलबी हुई है इसमें गिरफ्तारियाँ भी शुरू होंगी, फिर सजाएँ भी हो सकती हैं, ऐसा होगा? अगर करेंगे तो बड़े बेवकूफ़ होंगे, क्योंकि खुद ही इनका सबसे पहले तो बात यह है ना कि नैब के अंदर क्या मकसला था कि जी वो 90 दिन की क्यों है छूट उसके अंदर। तो जब नैब के अंदर आपको मसला था कि वो पकड़ लेते हैं इससे पहले के जुर्म इस्टेब्लिश हो, और इस्टेब्लिश होने से पहले पकड़ के और फिर उसके बाद आप रेफरेंस फाइल करते हैं उस किसी शख्स के खिलाफ या उसको इंडाइट करते हैं, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। उसी वजह से नैब को उस कानून को शिक को हटाया गया। तो अब वही गलती हम एफआईए में करने जा रहे हैं ताकि अगली हुकूमत कोई आएगी तो वो एफआईए को ख़त्म कर देगी, जैसा नैब को हमने बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके रख दिया। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये लीडरान असल में मुल्की लेवल के ऊपर और कौमी लेवल पे नहीं सोचते, ये सिर्फ अपनी पार्टी का, अपने लीडरान का अपना मफाद उसको उनके नज़दीक है, हमारा कौमी मफाद उनके नज़दीक नहीं पेश नज़र नहीं होता। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ एफआईए के रडार पर आ गई है, कोई गिरफ्तारियां सजाएं भी होंगी, ऐसा होता देख रहे हैं आप? राजौर साहब कह रहे हैं कि क्या जल्दी क्या है, जल्दी हुकूमत से ज्यादा इमरान खान को है। जिस तरह वो जलसे करने का ऐलान कर रहे हैं, इलेक्शन कराने की तारीख का ऐलान कर रहे हैं, वो एक फाइटिंग स्पिरिट रखना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जब तक वो स्पिरिट उनको मालूम है कि ये कितने अरसे तक कायम रह सकती है, उनको ये भी मालूम है कि इसके खिलाफ रिएक्शन भी हो सकता है, जवाब भी आ सकता है। जवाब हुकूमत की तरफ से नहीं आना, जवाब उन तमाम हुकूमतों की तरफ से आना है कि इमरान ने जारहाना पॉलिसी इतनी इख्तियार की है कि जो एक कमांडर की शहादत हुई और उनके साथ मेजर जनरल और दूसरे लोगों की ब्रिगेडियर की शहादत हुई, उस पर जिस तरह की ट्रिब्यूट उनकी सोशल मीडिया की टीम ने की, उस पर एक तरह का सन्नाटा छाया हुआ है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि खुलकर उसका जवाब दिया गया है और प्रेजिडेंट को रोका गया है कि आप जनाजे में ना आए, यही बेहतर है आपके लिए। जब आप इतना कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी इख्तियार करते हैं तो फिर आपको जल्दी है, जल्दी ये है कि इससे पहले कि कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, कोई इकदाम हो, वो उससे पहले अपने आप को एक कुव्वत के तौर पर अवाम की सतह पर बकौल उनके एक एस्टेब्लिश कर दें। ये एक नक्शा है जो पैदा हो गया है और जो एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि एफआईए क्यों कर रही है, तो भाई फैसला तो आ चुका है, वर्डिक्ट तो आ चुका है, आप इलेक्शन कमीशनर के फैसले को फैसला नहीं मानते। उन्होंने इनको नोटिस दिया है और कुछ चीज़ों पर उन्होंने कहा कि इंक्वायरी की बात की है, वो इंक्वायरी एफआईए नहीं करनी है, और इंक्वायरी करके अगर वो बेहतर है कि नैब की कर रही है, ये कर रहे हैं, ये पकड़ते नहीं है, इन्हें मालूम करना है कि ये जो पैसे आए हैं, इल्ज़ाम लगा है और मुख्तलिफ चीज़ों का आया है कि इन्होंने यहाँ से इतने पैसे लिए, फलां के नाम पे अकाउंट था, असद कैसर के नाम पे अकाउंट था या फलां के नाम पे अकाउंट था, तो उनका प्रूफ किया जाए। तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये फौरी तौर पर गिरफ्तारियाँ करेंगे और ये इनका एजेंडा नहीं है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ इमरान आगे बढ़ते जा रहे हैं उस तेज़ी के साथ वो सारी कुव्वतें जो इस सारे अमल को रजिस्ट करना चाहती हैं, जिसका मैंने इशारा कर भी दिया अभी अपनी गुफ्तगू में, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता और होना लाजमी है कि आप गाड़ियां वसूल करते हैं मुल्की सफीर से और खैबर पख्तूनख्वा करते हैं सुबह में, और फिर अगले दिन ये ट्वीट कर देते हैं कि वो लो फ्लाइंग कर रहा था और हमारी तोड़ों में जाता हुआ हमारी सास अदारों को देख रहा था, कुछ कर रहा था। तो मुल्क की सब सारी सिक्योरिटी हर चीज़ एट स्टेक है। जब एट स्टेक है तो आपको मालूम करना है ये तोशाखाना का फंड कहाँ से आया भाई, उसके लिए अलग रेफरेंस दायर है, उसका फैसला भी इलेक्शन कमीशन ने करना है,
एफ आई ए ने तो ये इंक्वायरी करनी है कि ये इल्जाम लगे हैं कि ये अकाउंट है स्टेट बैंक ने दिए है, स्क्रूटनी कमेटी ने उसको वेरीफाई किया है, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपना अपना वर्डिक्ट दिया है, तो उन अकाउंट्स के बारे में सूरत हाल क्या है, सच क्या है। अगर वो सच पा लेते हैं तो फिर उसके बाद उन्हें कोई कार्रवाई करने का कोई इख्तियार मिलता है, वरना नैब एफ आई ए उस सूरत में कार्रवाई नहीं करेगी जो सूरत में नैब किया करती थी। ऐसी सूरत में सूरत हाल अच्छी नहीं है, मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ सूरत हाल अच्छी नहीं है, ना इमरान के लिए अच्छी है, ना इमरान के मुखालिफों के लिए अच्छी है, ना मुल्क के लिए अच्छी है, ना मुल्क की सियासत के लिए अच्छी है। वो ये जमहूरियत जो है वो आसानी के साथ चलती हुई दिखाई नहीं देती। कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन का ऐलान कर दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई इन हालात में इलेक्शन नहीं हुआ करते, इन हालात में इलेक्शन की बजाय तबाही आया करती है। मशरकी पाकिस्तान का भी हमने देखा हुआ है, और ये सारी सूरत हाल जो है बहुत हसास है, बहुत नाजुक है। इस पर क्या नक्शा बनता आने वाले दिनों में वो तो आने वाले दिन ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये कहता हूँ कि बड़ी हसास सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, और इस पर बहुत मोहतात चलना चाहिए। सूरत हाल हसास है और नाजुक है, क्या मजीद हसास और नाजुक भी हो सकती है? गिरफ्तारियाँ और सजाएं होती देख रहे हैं आप? मीर साहब गिरफ्तारी और सजा आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी कि मजीद नाजुक हो सकता आपको लगता है? ये जो बड़ी तलबियां असद कैसर, महमूद रशीद, सीमा जिया, इमरान इस्माइल, इनमें से कोई गिरफ्तारी भी हो जाएगी? फौरी तौर पर ख्याल में मुझे लगता फौरी तौर पर गिरफ्तारियां करेंगे, लेकिन प्रेशर बिल्ड तो होगा ना, जो जितना प्रेशर इमरान बिल्ड करेगा उतना जवाब में प्रेशर बिल्ड होगा। और ये जो अब तसल शुरू हो गई है ये सिर्फ इमरान की और मौजूदा हुकूमत की जो भी नजर आ रही है उसके दरमियान नहीं है, ये इमरान के दरमियान और उन हुकूमतों के दरमियान जिसका सब कुछ स्टेक है। अदलिया शामिल है उसमें, मैं ये बता दूँ आपको, अदलिया से बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन अदलिया का भी सब कुछ एट स्टेक है, और बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर की जा रही है। और आप अगर जारहाना रवैया अख्तियार करते हैं तो जवाब में जारहाना रवैया अख्तियार किया जाएगा तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। मैं इस पर एग्री करता हूँ शिदा चौधरी साहब से भी कि ये अच्छा नक्शा नहीं होगा, लेकिन ये नक्शा बनता दिखाई देता है और बनता जा रहा है, और इमरान खान उसमें कोई अमेंडमेंट करने को तैयार नहीं है, वो कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, वो मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। और जो अब उनके मीडिया ने सोशल मीडिया ने जो अब स्टांस इख्तियार किया है इज टू मच। राइट मुदा आलम साहिबा, ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ एफआईए के रडार पर है, गिरफ्तारियां और सजाएं हो सकती हैं? देखें एक्चुअली मुझे तो लगता है कि जो भी केस हो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ केसेस को मेरिट पे कम देखा जाता है और एक सियासी नजरिए से ज्यादा देखा जाता है, और ये केस भी मुझे उन्हीं में से लगता है। अगर मैं कहूँ कि इस पूरी कार्रवाई से सियासत की बू नहीं आ रही तो ये गलत होगा, इसमें से सियासत की बू आ रही है और वाजे लग रहा है, क्योंकि एफआईए के जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म करते हैं कि उन पर दबाव है कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द सुनाएं, जल्द से जल्द सजाएं दें, पीटीआई के खिलाफ कोई कार्रवाई देखने में आवाम की नज़रों में आए। बहुत सारे एफआईए के बल्कि ऑफिसर्स ये भी बताते हैं और वो ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि वहाँ पे रिलक्टेंस या एक हेजिटेशन भी मौजूद है कि वो कहते हैं कि वो इस तरह की किसी सियासी विक्टिमाइजेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ब्यूरोक्रेसी जाहिर है एक मुश्किल में आ जाती है जब भी कोई हुकूमत उनके पास हो और इस तरह से उनको अपने प्रेशर्स के लिए इस्तेमाल करे। वैसे कि एफआईए के साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ है, इससे पहले इमरान खान साहब के दौर में भी आपको याद है बशीर मेमन जो थे पिछले डीजी एफआईए, उन्होंने भी कुछ इसी तरह के इल्ज़ाम लगाए थे और फिर वो उनको ओहदे से हटना पड़ा था, और वो ये कहते थे कि खान साहब उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो उस वक्त की अपोजिशन जो अब हुकूमत में है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। बिलखसूस ख्वाजा आसिफ साहब को लेकर सुनने में आ रहा था, जो उनका एटलीस्ट बशीर मेमन का कन्फेशन है या जो उनकी स्टेटमेंट है वो इसमें कह रहे थे कि उनके ऊपर प्रेशर था। इसी तरह से नैब को हम पिछले दौर में देख चुके हैं कि नैब के ऊपर भी इसी तरह से एक प्रेशर और तमाम चीज़ें, और फिर एक वो वीडियो भी थी जो कि आपको पता है कि नैब चेयरमैन के हवाले से उनके हवाले से आई थी, उसको भी कहा गया कि प्रेशर के लिए इस्तेमाल की गई। तो गोया ये कि ये सारी चीज़ें एक ही हैं, चाहे ये लोग करें चाहे वो लोग करें, ये उतनी ही गलत हैं, और इन तमाम कार्रवाइयों में से सियासत की बू आ रही है। अभी अगर मैं प्रेजेंट जो ये पूरा सिचुएशन है इसके बारे में मैं मजीद ऐड ऑन करूँ, वो ये है कि देखें, एक तो वाज़े तौर पर हुकूमत को नज़र आ रहा है, इदारों को नज़र आ रहा है, जिनके साथ एक मीर साहब ने इशारा किया कि इमरान खान साहब की लड़ाई सियासी लड़ाई नहीं, कुछ दीगर कुव्वतों के साथ भी है। मैं उनकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करती हूँ, तमाम कुव्वतों को और एज वेल एज उनके जो सियासी हरीफ हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं उनको भी नज़र आ रहा है कि एक तो ये कि वफाक में जो हुकूमत बैठी है
उनकी लेजिटिमेसी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, या एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी लेजिटिमेसी खो चुकी है वफाक में भी, क्योंकि जाहिर है जब एक एक के पी में भी किसी और की हुकूमत है, अगर पी डी एम की हुकूमत की मैं बात करूँ तो वो किसी सूबे में इस वक्त पी डी एम की हुकूमत नहीं है, सिर्फ वफाक तक ये लोग एक अपने आप को लिमिट करके रह चुके हैं, तो इनकी लेजिटिमेसी तो उस तरह से नहीं है। और स्पेशली पंजाब बहुत डिसाइसिव सूबा है, पंजाब अगर सूबे में किसी और की हुकूमत हो और वफाक में एक मुखालिफ हुकूमत हो तो चीज़ें चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेजिटिमेसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। उसके बाद यह कि वफाक में तो ऑलरेडी इनको जो बर्तरी हासिल है गालिबन दो वोट्स की हैं, किसी भी वक्त प्रेसिडेंट अगर कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें असेंबली से, तो मुझे लगता है कि एक बहुत मुश्किल सूरत हाल पर पड़ जाएंगे। पॉपुलैरिटी दूसरी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पॉपुलैरिटी खान साहब की बहुत कम हो चुकी थी जब उनकी हुकूमत नो कॉन्फिडेंस मोशन से नहीं गुजरी थी, लेकिन एकदम से उन्होंने इस अपने डिसएडवांटेज को, अपनी इस हार को उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उन्होंने इसको एक अपने हक में इसको कन्वर्ट कर लिया, एकदम जिसे कहते हैं ना टेबल्स टर्न अराउंड उन्होंने कर दिए, और फौरी तौर पर नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में बतदरीज इजाफा होता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से वाजे तौर पर नजर आ रहा है कि हुकूमत भी परेशान है और कुछ दीगर जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। जो बाय इलेक्शंस थे पंजाब के वो भी इस बात का मुंह बोलता सबूत है। तो गोया ये कि इस वक्त आप ये देखें कि सारी चीजें कहाँ जा रही हैं, सारी चीजें जा इस तरफ रही हैं कि देखिये अभी तक इन पूरे केसेस पे ECP का फैसला तो आ गया है, उस पर बहुत सारी पेचीदा सूरत हाल है, और ये सबसे जो गलत बात जो सामने आई है उस फैसले में वो ये है कि चैरिटी के नाम पर फंडिंग ली गई और उस फंड को फिर पार्टी के फंड के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभी इसकी बुनियाद पर कितनी सजाएं हो सकती हैं, कितना कौन कसूरवार है, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश होना बाकी हैं। लेकिन हम देखते हैं उससे पहले ही, इस्टेब्लिश होने से पहले ही, ये शहजाद साहब ने भी बात की थी, उससे पहले ही एक तरह से इनको अक्यूज्ड या एक तरह से इनको मुजरिम करार दे दिया गया है, मुलजिम से इनको मुजरिम बना दिया गया है, हुकूमत के बयानियाँ चला रहे हैं, और ये मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि इन्होंने चलाया है पहली दफा, जब ये लोग हुकूमत में थे यानी जब PTI हुकूमत में थी तब ये अपने केसेस के हवाले से भी ऐसे ही करते थे कि जो केसेस चल रहे होते थे, जो महज इकदाम होते थे, उनके साबित होने से पहले ही ये कहना शुरू कर देते थे कि जैसे एज इफ अगला जो शख्स है वो मुजरिम ही है, और ये इस्टेब्लिश हो चुके हैं, यही सूरत हाल हमें अभी नजर आ रही है। इन्होंने भी अभी तक ये तमाम चीजें इस्टेब्लिश करना बाकी है, FIA की कार्रवाई बाकी है, उसके बावजूद भी जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो ऐसा बनाया जा रहा है कि कोशिश भरपूर की जाए कि PTI को आवाम में डिसक्रेडिट कर दिया जाए। अच्छा, मैंने तो ये चीज़ देखी है कि जब भी इस तरह की कोशिश होती है तो हमारी मुल्की तारीख इस बात की गवाह है कि उल्टा वो जो जिसके खिलाफ हो रही होती है डिसक्रेडिट होने की जगह वो और ज़्यादा आवाम में मकबूल हो जाता है। ये एक चीज़ हम एक रूल ऑफ थंब है, मुझे नहीं समझ आती ये इतने दूरअंदेश सियासतदान हमारे इस मुल्क के, और इतनी ये साला साल बरसा बरस से करने वाली सियासत जो पार्टीज़ हैं इनको ये बात ये क्यों भूल जाते हैं। ये चीज़ें हमारी तारीख का हिस्सा हैं, जब भी किसी के खिलाफ इस तरह की कोई चीज़ चलाई गई, आप IGI को देख लें, जब IGI बेनज़ीर के खिलाफ आए और फिर उन्होंने किस हद तक किस पैमाने पर उन्होंने बेनज़ीर के खिलाफ इलेक्शन रिग करने की कोशिश की, क्या हुआ, कामयाब हो पाए नहीं हो पाए, तो ये तमाम चीज़ें मुझे समझ नहीं आता ये लोग क्यों तारीख को भूल जाते हैं, और अफसोस के साथ ये लोग तारीख से कुछ सबक हासिल नहीं करते हैं, कुछ सीखते नहीं हैं, वही चीज़ें ये लोग अभी भी दोहरा रहे हैं। जितना ये लोग डिस्क्रेडिट करने की, ज़बरदस्ती डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को या PTI को, वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, वो मुझे लगता है उसका बैकलैश आएगा, वो उल्टा मतलब उसमें उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी, और ये इसीलिए वो फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं इलेक्शंस करा दें। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि इलेक्शंस इन हालात में कोई हल नहीं है, क्योंकि जिस तरह की तलखी आ चुकी है कोई भी इलेक्शंस के नतायज नहीं मानेगा, इसलिए इनको एक पहले तो एक ग्रैंड डायलॉग करने की ज़रूरत है कि एक SOP तैयार करें, एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करें, एक कोई मुश्तरका कुछ बेयर मिनिमम चीज़ों पर अपना एक कंसेंसस करें कि इन चीज़ों पे हम इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार हैं तमाम पार्टीज, अगर इसमें कोई मीडिएट करना चाहे तो मीडिएट भी करें अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर क्योंकि इस वक्त ये साथ खुद बैठने को तैयार नहीं है, तो अगर कोई मीडिएट करके इनको साथ बिठाना चाहे तो आई थिंक ये ज़रूर होना चाहिए, बेयर मिनिमम बातों पर कंसेंसस ज़रूरी है। ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यौम आज़ादी पर बड़े पावर शो का ऐलान किया है, क्या जारहाना सियासत की पोजीशन इमरान खान साहब की बरकरार है ममनू फंडिंग के फैसले आने के बाद भी? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी।
वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि परेड ग्राउंड पर यौम आज़ादी पर बड़ा पावर शो करेंगे। पीटीआई एग्रेसिव मोड मुसलसल अपनाए हुए है। सज्जाद मिर्ज़ा, आप क्या समझते हैं, जारहाना सियासत की पोजीशन इस वक्त इमरान खान साहब को फ़ायदा देगी और वो तमाम तर फैसलों के बावजूद भी जारहाना सियासत की पोजीशन बरकरार रखे हुए? देखिए, मेरा स्टांस पहले दिन से ही मुख्तलिफ रहा है कि मैं ये नहीं देखता कि इमरान को फ़ायदा देगी या कि दूसरों को फ़ायदा देगी। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को फ़ायदा देगी कि नहीं देगी, जमहूरियत को फ़ायदा देगी कि या नहीं देगी। देखिए, क्या इस मुल्क में कोई इनकलाबी मजाज पैदा हो चुका है? क्या इनकलाब का वक्त आ चुका है? क्या हम जमहूरियत को टच करने वाले हैं? क्या हम किसी ऐसे निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ क्लैश के ज़रिए से, ताकत के ज़रिए से, जारहाना तरीके के ज़रिए से हम इक़्तदार को उन तमाम क़ुव्वतों से वापस ले लें जिनके पास तकसीम पाकिस्तान के वक्त से लेकर आज तक इक़्तदार मौजूद रहा है? आप, मैं ज़्यादा खुली बात करने के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन साफ बात मैं बता देता हूँ कि इस वक्त जब क़ुव्वतें क्लैश करती हैं, मैं वजाहत कर दूँ कि इसको फौज न समझा जाए, इस वक्त इसमें अदलिया भी शामिल होती है, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल होती है, इसमें और बहुत सी क़ुव्वतें शामिल होती हैं, इसमें और बहुत वेस्टर्न शामिल होते हैं। देखिए, दुनिया के मुल्कों में मैंने मिसाल दी है कि शहबाज शरीफ ने तो हिटलर की मिसाल दी कि 33% वोट लेकर आया था और फिर अपना डेमोग्रॉफी के जरिए से किस तरह उसने वो छा गया पूरी दुनिया पर, हारा हुआ था लेकिन उसने अपनी हार को शिकस्त बदल दिया। ये सारी सूरत बताई, मैं वहाँ नहीं जाता। राइट एक्सट्रीम ग्रुप पैदा हुए थे मगरब में, अभी ट्रंप अमेरिका में जब ट्रंप जीता था उसके इलेक्शन के फौरन बाद लगता था कि दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। यहाँ राइट एक्सट्रीम का मतलब वो है, हमारे मानों में नहीं, हमारे मानों में तो लेफ्ट और राइट की इस्तलाहें एक खास कॉनोटेशन में सन 1968 के बाद इस्तेमाल होना शुरू हुई थी और वो उसके माने बिल्कुल डिफरेंट थे जो दुनिया में थे। लेकिन एक इंतहा पसंद सोच, बिल्कुल जो है जारहाना सोच जो है, वो एक ऐसी थिंकिंग थी कि लगता था कि जमहूरियत के नाम पर वेस्ट पर छा जाएगी। हमारे यहाँ भी ये खौफ मौजूद है और ये खौफ इमरान से ही मौजूद नहीं है, और लोगों से भी हो सकता है मौजूद हो, लेकिन और लोगों ने तो एक कंप्रोमाइजिंग रवैया कुछ किसी हद तक इख्तियार कर रखा है। इमरान नहीं कर पा रहे, अगर इमरान नहीं करेंगे तो क्या ऐसी सूरत में हम आगे बढ़ जाएंगे? क्या ऐसी सूरत में जमहूरियत का बोलबाला हो जाएगा? इसमें मूना ने भी इत्तफाक किया है और मैं इसको दोहराना चाहता हूँ कि इलेक्शन हमारे मसले का हल नहीं है इन हालात में। जब इलेक्शन मसले का हल नहीं तो हल क्या है, सोचा जाए? इलेक्शन अब भी हल नहीं है, इलेक्शन साल बाद होती है तो भी हल नहीं है, तो फिर क्या सूरत हाल है? क्या मैं इलेक्शन के खिलाफ बोल रहा हूँ? नहीं, मैं जमहूरियत बचाना चाहता हूँ। तमाम लोगों को मिल बैठ के सोचना पड़ेगा, बात को तय करना पड़ेगा, बहुत से मामलों पर एग्री करना पड़ेगा, जा रहना रवैया के बाद फहमत का एक रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। आप दूसरों को एक्सेप्ट करें ना करें, उनको चोर ही समझते रहें और लोगों को यही बताएं वो चोर हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए आपको बहुत सी बातें जो है तय करना पड़ेंगी और एक ऐसा लायामल तैयार करना पड़ेगा जिस जो एक हद से आपको ना बढ़ने दे। अगर आप हद से बढ़ेंगे तो उस सूरत में किसी ने इस मुल्क में तो फिर इलेक्शन या तो एक तरफ रह गए, इलेक्शन तक नहीं होने देना। मैं ये आपको बिल्कुल साफ लफ्जों में बता रहा हूँ कि इस वक्त हमारे यहाँ जमहूरियत खतरे में है, सियासत खतरे में है, इलेक्शन खतरे में है और हमारी मईशत और हर चीज़ खतरे में है अगर हमने अपनी जारहाना रवैया को। लेकिन इमरान के पास और चारा है कोई नहीं, वो 14 अगस्त को आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मुनासिब दिन है एक पावर शो करने का, लेकिन उस दिन वो क्या रवैया अख्तियार करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ये कह देना कि एक महीने के अंदर इलेक्शन डेट अनाउंस करो और वरना ये तो नहीं है कि वो कहेंगे कि इसी तरह पे काम करेंगे, वरना वो कहेंगे तुम्हारी ऐसी तैसी रास्त इकदाम कहा है उसे हमारे फवाद चौधरी ने। रास्त इकदाम का मतलब पता नहीं क्या होगा, लेकिन रास्त इकदाम का मतलब जो मुझे ऐसे ही एक वेग सा एक हयूला नजर आता है वो कोई अच्छी सूरत दिखाई देती है। तो मुल्क को जमहूरियत की तरफ ले जाने के लिए, मुल्क की सियासत को सलामत रखने के लिए ये ज़रूरी है कि मुफाहमत की सियासत जो है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शायबा जो है वो मौजूद होना चाहिए। मौला साहिबा, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि जारहाना सियासत नुकसान दे सकती है इमरान खान साहब को, और जारहाना सियासत की पोजीशन उनकी बरकरार है तमाम तर उनके खिलाफ फैसले आने के बाद भी? एक्चुअली बात यह है कि ये चीज़ अभी तक तो उनको सूट की है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद से आपको याद होगा, बल्कि जिस रात ये तमाम तर हुआ है और नो कॉन्फिडेंस फाइनली इमरान खान साहब की हुकूमत को जब उसने घर भेजा है नो कॉन्फिडेंस मोशन ने, तो उसके बाद आपने देखा है कि लोग सड़कों पर निकले हैं, मुल्क भर में लोग जो हैं अपने अपने घरों से निकले हैं और वो पीटीआई, ऑल्दो ये कि उनको इमरान खान साहब उस वक्त लीड नहीं कर रहे थे,
लेकिन फिर भी घरों से लोग अपने निकले थे और एक मजमा इकट्ठा हुआ था खान साहब के हक में कि जी उनकी हुकूमत को क्यों निकाला, गोया ये कि ये नारा नवाज शरीफ साहब का था। खैर यही इस मुल्क की सियासत की सबसे दिलचस्प बात है कि कभी जो शख्स उस तरफ बैठकर जो बातें कर रहा होता है और उनकी हिमायत कर रहा होता है भरपूर अंदाज में, वक्त पलटते देर नहीं लगती और वो शख्स फौरन जो है वो मेज़ के दूसरी तरफ आ जाता है और फिर उसी बात की उसकी मुखालफत करते हुए नजर आने लगता है। और ये चंद दिनों में या चंद महीनों में सबसे दिलचस्प बात है इस मुल्क की सियासत की, शायद दुनिया में कहीं और नजर आती हो कि जो टेबल्स हैं उनको टर्न होने में देर नहीं लगती। तो खैर यही चीज हमने देखी कि उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब का नारा था वो खान साहब ने अपनाया, लेकिन ये कि बहुत लोग निकले इसमें तो कोई शक नहीं। उसके बाद जितने उन्होंने जलसे किए, ख्वाह वो कराची हो, पेशावर हो, लाहौर हो, भरपूर तरह से लोग सड़कों पर निकले और ये मुझे लगता है खान साहब ने अपनी एक स्ट्रेंथ का इससे अंदाजा लगाया उन्होंने, और इसमें कोई शक भी नहीं है। देखें जिस वक्त वो हुकूमत में थे उनको जलसे करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती थी, लोग इकट्ठा करने में भी मुश्किल पेश आती थी, सरकारी वसाइल का कई दफ़ा इस्तेमाल किया गया, स्कूल से बच्चों को बुलाया गया वगैरह वगैरह। उनका एक जो अपना है, जाहिर है उनकी प्रेजेंस, उनका कैरिज्मा, उससे तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में डिप आया था जब वो हुकूमत में थे, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। और इन द लॉन्ग रन मुझे लगता है कि खान साहब को उल्टा फ़ायदा हो गया क्योंकि उनके अपने लोग हमें कहते थे कि 2023 में हमें नहीं पता कि इस कारकर्दगी के साथ हम कैसे इलेक्शंस में जाएंगे और अवाम से कैसे वोट मांगेंगे, मुश्किल है हम केपी भी इस दफ़ा हमें 2023 के इंतखाबात में मिल पाए। तो इस हद तक जब उस जमात के लोग खुद कहने को मजबूर हो गए थे, उस बॉटम लो से आपने उनको एक और हाई दे दिया, एक आपने उनको मकबूलियत का एक नया मकाम दे दिया, ये तो हुआ है और ये फैक्ट है। जितने लोग जितनी तादाद में निकले हैं उसको चाहे हुकूमत जितना मर्जी जुटलाने की कोशिश करे बात नहीं बन पाएगी क्योंकि ये चीज़ फैक्चुअल है और हर कोई अपनी आंखों से देख सकता है। और दूसरी तरफ जो हुकूमत के जलसे थे जिनको मरियम नवाज भी लीड करती थी, जितने वो सुस्त थे, जितने वहाँ पर लोगों की कुर्सियाँ ज़्यादा थी, लोग कम थे, इससे भी कोई इनकार नहीं है। कैमरा एंगल्स चेंज करके देख लें, बहुत चीज़ें करके देखी गई, बड़े बहुत सारे ट्रिक्स आजमाई गई लेकिन वो काम नहीं की। और जो बात थी वो फिर उसका असर हमें अपने बाय इलेक्शंस के नतीजे में वाजे तौर पर नजर आ गया। तो ये चीज़ें बड़ी फैक्चुअल हैं, आप इनको छुपा सकते हैं वक्ती तौर पे, इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे हकीकत सिर्फ वक्ती तौर पे छुप सकती है, परमानेंटली नहीं छुप सकती। तो खैर ये बात तो है, खान साहब की यही चीज़ उनके हक में जा रही है, ऑब्वियसली जारहाना सियासत का उन्हें अभी तक फ़ायदा हुआ है, चाहे वो न्यूट्रल्स कहें, एक्स वाई बहुत सारे उन्होंने नाम दिए, लेकिन ये कि वो अवाम में उस चीज़ का एक रिसेप्शन आया और अवाम ने उनकी बात पे उसको वेल रिसीव किया। हम ये नहीं कह सकते कि अवाम ने उनका बयानिया मुस्तरद कर दिया, दैट हैज़ नॉट हैपेंड। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर उनको अभी तक ये चीज़ उनकी सूट की है, आगे जाने जाते हुए भी अगर ये 14 अगस्त को करना चाहते हैं ज़रूर करें। 14 अगस्त के रोज़ जाहिर है उस दिन की वजह से, उस दिन की जो मुबारक दिन है जो 14 अगस्त का, उसकी वजह से वैसे भी आवाम में खासा जोश वलवला होता है, तो वो शायद उसको अपने अपने फेवर में चैनलाइज कर पाए। मुझे याद पड़ता है PDM एक दफ़ा जलसा करना चाहती थी 14 अगस्त को जब खान साहब की हुकूमत थी, तो खान साहब उन पर ये तनकीद करते थे कि 14 अगस्त को जी आप क्यों कर रहे हैं, आप एक दिन रुक जाएँ, आप मुल्क तमाम मुल्क की आज़ादी के दिन को आप पोलिटिसाइज कर रहे हैं। तो वैसे ये बात ज़रूर है कि ये खान साहब के और PTI के अपने गले पड़ सकती है कि उस वक्त आप ये कहते थे और अब आप खुद 14 अगस्त को निकल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ना उस वक्त 14 अगस्त को जलसा करना गलत था और ना आज गलत है। अच्छा एक बात जो हुई है और मैं उस पर ज़रूर कॉमेंट करना चाहूँगी, जो शोहदा के हवाले से हुई है, मैं तो समझती हूँ इससे ज़्यादा कोई गिरा हुआ मुकाम नहीं हो सकता सियासत का। जब आप मतलब इतना आप अपने आप को एक तरह से गिरा लें अपनी जाती सियासत के लिए कि आप अल्लाह माफ़ करें कौम के जो शहदा हैं उनके जनाजे के ऊपर आप सियासत करने लग जाएं, तो मैं नहीं समझती इससे बदतरीन शक्ल कोई सियासत की हो सकती है। और इससे मुल्क तो दूर की बात है, बैन अलाक्वामी सतह पर हमें बहुत एक एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये भी आपको बताऊंगी इससे बहुत नेगेटिव हमें बैन अलाक्वामी प्रेस में हमें लाइट मिल रही है, लेकिन एक शख्स को, एक शख्स की बात को पूरी PTI पर डाल देना, ये मैं समझती हूँ बहुत गलत किया जा रहा है। ये मुझे लगता है कि एक हुकूमत की स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो एक शख्स की जो उनका एक पता नहीं कोई पुराना कोई उनका सोशल मीडिया का था कोई रुकन,
उसकी बात को, उस एक एक्स रुकन की बात को आपने पूरी जमात से गोया मुंसलिक कर दिया, आपने इस बात से भी मुंसलिक कर दिया कि सदर नहीं गए, उनको जाना चाहिए था, इसमें तो कोई शक नहीं और उन्होंने बहुत गलत किया, इस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मैं समझती हूँ। लेकिन फिर भी अगर ये बात सही होती ना कि वो शहदा की फैमिली से प्रेशर आया है, तो खान साहब नहीं जाते उनके घर, खान साहब उनके घर दुआए ताजियत के लिए गए और उनको बहुत अच्छी तरह उन्होंने रिसीव किया। जो शहीद में कल उनके वालिद साहब का भी एक सोशल मीडिया पे गर्दिश करता क्लिप सुन रही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि हम तो ज़हनी तौर पे इस कैफियत में ही नहीं है, मतलब हमारे हमारे घरों में जनाजे उठे हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि जी आप अगर वो फलाना बंदा आ जाता तो शोहदा नाराज हो जाते, वो खुद ये बेचारे बात कर रहे हैं और मेरे मुझे बहुत तकलीफ हुई उनकी बात सुन के। वो सही कह रहे हैं, जिसके घर में इतना बड़ा इतनी बड़ी कयामत गिरी हो, मतलब उसको ये फिक्र होगी कि ये मेरे घर आ रहा है तो मैं एहतजाज करूंगा, ये आ रहा है तो इसको वेलकम करूंगा, लेकिन ये अगर आएगा तो इसको मैं डांटूंगा। तो आई डोंट थिंक सो, ये बहुत एक गलत तरह का बयानिया है जो हुकूमत इसमें प्रेजेंट कर। ठीक है ठीक है, मुझे आपको पॉइंट आया। शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं, 30 दिन की मोहलत देंगे, जारहाना पोजीशन में है पीटीआई के चेयरमैन। मैंने पहले सवाल के, आप किसी सवाल के जवाब में कोशिश की थी पहले कहने की कि मोना ने जिक्र किया था कि हमारी सियासतदान ने तारीख से कुछ नहीं सीखा, और मैंने जिक्र किया था कि सिर्फ तारीख से नहीं सीखे बल्कि साइंस से भी नहीं सीखे। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो सबने कहीं 10वीं 11वीं 12वीं में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, शायद याद भी रह गया हो, अगर हमारे लोगों ने सियासतदानों ने 12 जमातें तो पढ़ी होंगी कम से कम, तो ये न्यूटन का लॉ भी ज़रूर पढ़ा होगा। तो डिपेंड करता है जी कि कितना आपने पुश करना है इमरान खान को, कितना उसके खिलाफ आप एक्शन करेंगे उतना वो उसका रिएक्शन आएगा, वो कितना जारहाना हो सकता है, ये सवाल है बुनियादी तौर पर। क्या वो जारहाना अपनी पॉलिसी के अंदर, अपने अल्टीमेटम्स के अंदर, अपने जलसों में उस हद तक रहेगा जब जिस हद तक अब तक रहा, या इससे भी आगे जाने की वो कोशिश कर रहा है या तैयारी कर रहा है? अगर इससे आगे जाएगा तो जाहिर है कि कौम और मुल्क का नुकसान होगा, वो मुनासिब नहीं है। लेकिन क्या अगर इस हद तक रहेगा तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब वी आर क्वाइट यूज टू इसका किस हद तक जा रहा ना। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि जब वो अगर गिरेगा तो ही विल गो डाउन फाइटिंग, ऐसे बगैर लड़ाई किए, बगैर जब मैदान जंग में, सियासी मैदान जंग में गिरेगा तो उसमें गिरेगा। अच्छा, हो क्या रहा है पिछले चंद दिनों से? अभी जिक्र किया मोना ने इसका जो हेलीकॉप्टर क्रैश का, मैंने बड़े डिलिबरेटली इस पर काफ़ी दिनों से किसी के साथ कोई कमेंट नहीं किया इसके ऊपर, लेकिन आज मजबूर हो गया मैं बात करने के ऊपर। ठीक है, जिसने किया कोई पीटीआई का था या कोई उसके जो लोग थे उन्होंने कुछ कमेंट्स किए सोशल मीडिया पे, मेरी नज़र से नहीं गुजरे, लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरीके से बात हो रही है इसका मतलब है कि कुछ कहा गया होगा जिसने दिल आज़ारी की, और ज़ाहिर है एसपीआर उस पर आया और उसने आके बात की। लेकिन अब उसके बाद क्या हो रहा है? रोज़ाना एक वज़ीर जाता है उन शहदा के घरों में ताज़ियत के लिए, बाहर टेलीविज़न कैमरे बैठे होते हैं, पड़े खड़े होते हैं, उनके आगे खड़ा हो जाता है और पीटीआई पर तबर्रे भेजना शुरू कर देता है और रोजाना रीलिव करता है उस चीज को कि वो पीटीआई वालों ने फलाने बंदे ने ये बात की थी और यूं हुआ था, ऐसा हुआ था। अगर आपको शहदा के दर्द का इतना ही ख्याल है तो बराए मेहरबानी इस गुफ्तगू से परहेज कीजिए, उनके दरवाजों पर खड़े होकर इस गुफ्तगू से परहेज कीजिए। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल वजीर हैं, रिस्पॉन्सिबल मेंबर हैं इस गवर्नमेंट के, और आप दर्द दिल रखते हैं उन शहदा के लिए, तो फिर आप ये, मेरा अपना ख्याल है कि ये इस हद तक इसको पोलिटिसाइज कर दिया गया है कि अब वक्त आ गया है कि जो भी दी फोर्सेस टू बी, वो जो सियासी कुव्वतें जो बाकी सारी ताकत रखती हैं सजाद मीर साहब के मुताबिक, अब उनको फैसला कर देना चाहिए कि मना कर देना चाहिए कि कोई वजीर, किसी किस्म का कोई सियासी शख्स इन लोगों के घरों में नहीं जा सकता और ना जाएगा, क्योंकि ये लोग आके बाहर तमाशा बनाते हैं और उनके दर्द को फिर से जगाते हैं और तकलीफ़ देते हैं, ना सिर्फ उनको बल्कि वो जो 5-6 लाख फौजी और बाकी लोग जो इस वक्त यूनिफॉर्म या उनके दिल को भी देते हैं। अच्छा, तो ये एक मसला पड़ गया, तो इसलिए खुदा रहा इस चीज़ को छोड़ के उसके अलावा अब आगे चलिए, सियासत को लेके चलिए। ये सियासत नहीं है, ये तबर्राबाजी है, और इस तबर्राबाजी से आपको हटना पड़ेगा। इमरान खान क्या करेगा मैं आपको एक बात बता दूँ, खुदा न खास्ता हम उस रास्ते पर कभी ना जाए, क्योंकि अगर हम वहाँ पे गए तो ये 22 करोड़ लोग हैं, ये 2.5 करोड़ लोग नहीं हैं जो कि श्रीलंका के अंदर हैं, और 2.5 करोड़ में से भी कुछ थोड़े बहुत वहाँ श्रीलंका में गए थे, ये 22 करोड़ लोग हैं, और 22 करोड़ के साथ खुदा न खास्ता इस किस्म का अगर रिएक्शन आता है। दूसरी एक और बात है, बेशक के द पार्स टू बी दैट बी
पॉलिसी साज कुवतें, वो कुवतें जो कि अपने इंटरेस्ट को सामने रख के इस वक्त एक्शन कर रहे हैं, वो कुवतें जो इस वक्त आपको गवर्नमेंट के साथ खड़ी नज़र आती हैं, उनके और पीटीआई के बीच में एक बिल्कुल सन नज़र आता है, पैल्पेबल जिसे कहते हैं महसूस की जाने वाली एक थोड़ी डिविजन क्रिएट हो गई है, उसको कितना पोलिटिसाइज किया जा रहा है, किस तरीके से उसको रोज़ रोज़ उभारा जा रहा है, कभी हेलीकॉप्टर्स के चक्कर में, कभी उसके चक्कर में, कभी किसी और चीज़ के चक्कर में, कौन कर रहा है, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि वो आपस में लड़ें और आपस में उनकी उस हद तक चपकलश और लड़ाई और उस हद तक चली जाए, तो क्या हम हमारी सियासत का एक हिस्सा उभार रहा है इस चीज़ को कि आप पीटीआई लड़े और वो कुवतें आपस में लड़ें अपने अपने इक्तदार के लिए, अपनी ताकत को बचाने के लिए, अपनी ताकत के हसूल के लिए, अगले इलेक्शन को दूर करके इस पीरियड को इस्तेमाल करने के लिए, अपने और जो फायदे हैं उनको हासिल करने के लिए। और सबसे आखिर में मैं इस पर ख़त्म करता हूँ, जो सबसे आखिर में देखिए, हम यहाँ बैठ के जब गुफ्तगू करते हैं तो क्या वजह है कि मुझे एक और नज़रिया भी, एक और एंगल भी दिखाना पड़ता है। बेशक हम बड़े अपने जेन्युइन कमेंट्स अपने देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम सिर्फ तबसरा करने वाले लोग बन के, ओपिनियन मेकर्स बन के हम गुफ्तगू करें, तो हम किसी भी साइड को नज़र नहीं, मुझे क्या मजबूरी पड़ती है, क्यों मैं दूसरी साइड को दूसरा इजहारिया लेके आता हूँ, मैं तो दरमियान में रहने वाला आदमी इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि वो मिसिंग होता है हमारी गुफ्तगू के अंदर से। मोना बेशक उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है, मैं उनको इसमें नहीं कह रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सबको मिल मिला के, परहैप्स यही वजह है कि इसका प्रोग्राम का नाम हर जाविये से है, ताकि हर जाविया जो है उसको कवर किया जा सके। और मुझे दुख होता है जब मुझे एक एक्सट्रीम पोजिशन लेनी पड़ जाती है किसी के खिलाफ, तो बहरहाल ये हमारा काम है और इसके अंदर ये हमारी जैसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। बिल्कुल ठीक, बड़ी खूबसूरत आपने बात की, हर जाविये से हम तब्दीलियाँ पेश करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, सियासी महाजराई बढ़ती जा रही है क्योंकि वफाक का जवाब अब सूबों में दिया जा रहा है, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब वफाक को जवाब देने के लिए तैयार है, क्या बड़े फैसले असेंबलियों के बजाय अदालतों में होंगे, ब्रेक के बाद इस पर बात। वेलकम बैक। विफाक का जवाब सुबह में दिया जा रहा है, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कुछ टीमें तरतीब दी हैं एफआईए की जो तहकीकात करेंगी, 2 करोड़ की तहकीकात के हवाले से बताया जा रहा है, कुछ रकम भी बताई गई है, फिर शहबाज शरीफ पर भी उन्होंने तनकीद की, क्या एक दूसरे पर अब इस तरीके से कार्रवाइयाँ होंगी, इस तरीके से हमले किए जाएंगे उन आलम साहिबा, और क्या आपको लगता है ये बेहतर है पाकिस्तान की सियासत के लिए, क्योंकि असम्बलियों में हल होने वाले फैसले अब अदालतों में जाते नज़र आ रहे हैं। जी यही बात है कि ये लोग सियासतदान होते हुए इनको तो चाहिए ये लोग पार्लियामेंट की वक्त को और उसकी हैसियत को बढ़ाएं, उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ाएं, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग खुद पार्लियामेंट को अंडरमाइन करते हैं, खुद दीगर फोर्सेस को दावत देते हैं, ख्वाब व अदलिया हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, ये सियासतदानों का अपना कसूर है। अगर हम इसको देखें इस तरह से तो हमें एंड में यही नज़र आएगा, हर तरह से, चाहे इस इवेंट को आप एनालाइज कर लें या कोई पिछले दूसरे इवेंट को आप एनालाइज कर लें, इस दफा भी यही हो रहा है। और ये बिल्कुल एक ऐसा मालूम होता है कि जैसे हर किसी ने एक अपने डेढ़ ईंट की मस्जिद बना ली है। आपको याद है पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में थी और पंजाब में पीटीआई थी, मतलब ये बिल्कुल पिछले दौर को ही आप ले लें, और पीपल्स पार्टी की तो चूंकि सिंध में काफी अरसे दराज से हुकूमत है, आपने देखा होगा वो अक्सर व बेशतर एक अपने प्रोविंस का कार्ड खेलते हैं कि हमें आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे उस मतलब अल्लाह माफ करे, जैसे कोई बॉर्डर खींच दिया हो आपने सूबों के दरमियान, कि ये इस तरफ तो हालात कुछ और हैं लेकिन उस तरफ जब आप सिंध में दाखिल हो जाते हैं, जब सिंध शुरू, सूबा सिंध की सरहद शुरू हो जाती है या उनकी टेरिटरी शुरू हो जाती है, तो फिर उनका कानून है, उनका उनकी सोच है, वहां पर किसी किसी और को आने की इजाजत नहीं। मतलब ये इस तरह की जो एक डिविजन हमने क्रिएट करती है, बदकिस्मती से पहले तो पीटीआई इसकी मजम्मत करती थी लेकिन अब ये लोग खुद भी यही करेंगे। मतलब जब इन्होंने उस वक्त ऐलान किया था कि हम जब पंजाब की हुकूमत हमें मिल जाएगी उसके बाद हम फलाने फलाने बंदे को आने नहीं देंगे, अता तारड़ को और राणा सनाउल्लाह पंजाब नहीं आ सकते, फिर राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आप में से कोई फिर यहाँ इस्लामाबाद नहीं आ सकता, तो ये बच्चों वाली बातें हैं, मैं तो इसके ऊपर सिर्फ हंस सकती हूँ, मुझे समझ नहीं आती। और यही चीज हमें इदारों के साथ भी नजर आ रही है कि अब क्या होगा कि जो जो इदारे वफाक के बस में हैं, यानी एफआईए है, नैब है, ये तमाम वो इदारे हैं जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे पीटीआई के खिलाफ और वफाकी हुकूमत उनको इस्तेमाल करेगी,
लेकिन दूसरी तरफ जो सूबों के इदारे हैं जिसमें एंटी करप्शन है, खासतौर पे बेसिकली तो एंटी करप्शन ही है, पंजाब में हो या केपी में हो, उसको इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर पीटीआई हुकूमत है, तो उसको वो लोग इस्तेमाल करेंगे इनके खिलाफ, पीडीएम या पीपल्स पार्टी, इन लोगों के खिलाफ। सिमिलरली आपने देखा है सिंध में कितनी दफ़ा, कई दफ़ा वहाँ एंटी करप्शन से ज़्यादा पुलिस एक्टिव है, और पुलिस को कितनी दफ़ा इसी तरह से पोलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है, कभी किस पीटीआई के रहनुमा को उठा लिया जाता है घर से, कभी बल्दियाती इंतखाबात में उनके लोगों को कत्ल करती, वो सॉरी बल्दियाती, हाँ बल्दियाती इंतखाब हुए थे ना अभी सिंध, वहाँ पर उनके लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, और मतलब जो जो खड़ा होता है पीटीआई का कैंडिडेट, तो इस तरह से कभी जीडीए के लोगों को कत्ल कर रहे हैं, हर कोई जो जिसका बस जहाँ पर चल रहा है वहाँ पर अपनी अपनी जोर आजमाई की जा रही है, और अपने मुखालफीन के ऊपर अपनी ब्यूरोक्रेसी को, ख्वाब वो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी हो या वफाकी हो, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपने अब ये काम करना है, आपने हमारे पॉलिटिकल केसेस को प्रस्यू करना है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं तो नहीं समझती कि इससे कोई निचला दर्जा हमारी सियासत का हमारी रीसेंट तारीख में इससे पहले कभी आया है जितना कि अब आ चुका है। मैं जो मिसाके जमहूरियत था उसको मैं बहुत क्रेडिट देती हूँ, और वो एक बहुत अच्छा दस्तावेज था। अफसोस की बात यह है कि उसमें भी एक ऐसा मालूम हुआ कि इन तमाम जमातों ने जिन्होंने दस्तखत किए, जो सिग्नेटरीज थे इस मिसाके जमहूरियत के, वो अभी कहते हैं मिसाके मईशत कर लो। भाई आप पहले मिसाके जमहूरियत को तो संभाले ना, उसकी कौन सी ऐसी शिक है जो आपने पूरी की, कोई ऐसी शिक है जो आपने उसकी पूरी की हो तो आप बात करें। तो अगर आप यही हाल मिसाके मईशत का भी करना चाहते हैं कि उसको साइन कर लें, सबसे वावाई वसूल कर लें, सबसे ये कहलवाएं कि आपने कितना अच्छा काम किया है, लेकिन फिर इन प्रिंसिपल क्या करें जब इंप्लीमेंट करने की, अमल दरामद कराने की बारी आए, तो आप बिल्कुल उसका उलट करना शुरू हो जाए। तो ये बड़ी बदकिस्मत बात है, और ये लोग अपनी, मैं तो इसको सेल्फिशनेस ही कहूंगी, ये लोग क्यों पीटीआई को उसमें शामिल नहीं करते, और पीटीआई और खान साहब भी अपनी अना से क्यों नहीं निकलते हैं कि वो कुछ तो रूम क्रिएट करें ना, कि दूसरे लोगों से कोई तो अपनी बातचीत का रास्ता खोलें, मैं बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये सिर्फ सियासी स्लोगन्स हैं खान साहब के, इनमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जब उनको जरूरत होती है हकीकतन, तो वो हर किसी से बात करते हैं, उन्होंने बहुत लोगों से वो बात की है, दहशतगर्दों तक से उन्होंने बात की है, जो वो पहले कहते थे मैं इससे नहीं करूंगा, चोर से नहीं करूंगा, डाकू से नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने दहशतगर्दों से बात की, उनसे भी नेगोशिएशन की, तो इनसे क्यों नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि ऐसा कहने से आपको पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, इसके अलावा तो कोई रीजन नहीं है। राइट, शहजाद चौधरी साहब, बड़े फैसले अब असेंबलियों की जगह अदालतों में होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का की जानिब से अब सूबों से इसका जवाब दिया जा रहा है, पंजाब में तैयारी की जा रही है, एफआईए की टीमें तैयार की जा रही हैं, आपको लगता है ये अदालतों में फैसले होना मुनासिब है? यार ये एक सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ उस बीमारी के असरात हैं जो आपको नजर आते हैं, जिसमें सिम्टम होते हैं बीमारी के, बीमारी असल में कुछ और है, बीमारी है जब हम दो, मैं फर्क करना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात करते हैं ना, तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन सोसाइटी में होती है, ये सियासी पार्टी की पोलराइजेशन नहीं होती, वो तो वैसे ही पोलराइज्ड होती हैं दो मुख्तलिफ नज़रियात के साथ, या मुख्तलिफ नज़रियात के साथ मुख्तलिफ बहुत सारी पार्टियाँ एग्जिस्ट करती हैं, तो वो तो ऑलरेडी पोलराइज हैं, अपनी एक डिफरेंट लाइन लेके, डिफरेंट अपना नज़रिया लेके चल रही हैं, पोलराइजेशन होती है इसकी माशरे की, सोसाइटी की, जिस तरीके से आपको अमेरिका में नजर आती है डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन, लेकिन उसके बावजूद काम करने का, जहां पर सियासत के अंदर एक तफरीक कायम हो जाए, जिसको दीवारें कह रही थी मोना, और मैं उसको सियासी इंतशार कहता हूं, उसको सियासी दिवालियापन कहता हूं, यानी आपका सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पर बिखर के रह गया, टूट के रह गया, सियासी निज़ाम असल में आपका पोलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जहां पर यह बीमारी हो, और ये असल बीमारी हो, जो कि असल बीमारी इस वक्त आपकी, और अभी से नहीं, पिछले कोई सात चार पाँच माह से, पाँच छः माह से ये चल रही है, कि आपका सियासी निज़ाम बिखर के, इंतशार के साथ बिल्कुल पुरजा पुरजा रेजा रेजा होके बिखर चुका है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, उसको दोबारा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं सियासी निज़ाम को, पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करता है, अब आप उनको इलेक्शन में लेके जाइए, इसलिए मैं दाई हूँ इस चीज़ का कि हमारे इन तमाम मसाइल का हल ये नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट अभी आई है इसके कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं जो अभी इसने पूरे करने हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, पाकिस्तान के माशरे को बचाना है, और पोलराइज होने से बचाना है, और पाकिस्तान के निज़ाम को बचाना है, और पाकिस्तान की रियासतों को, रियासत के जो एलिमेंट्स हैं उनको बचाना है, तो फिर आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। दूसरी बात, जब हम जिक्र करते हैं पोलिटिकल पार्टीज़ का कि अच्छा पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, एफआईए है, नैब, पाजे पाकिस्तान, अदलिया, ये रियासत पाकिस्तान के हिस्से हैं, पार्लियामेंट भी है, पोलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, कोई शक नहीं है, अवाम पाकिस्तान भी हिस्सेदार हैं उसके अंदर,
लेकिन जो स्ट्रक्चर्स आप उनके साथ जोड़ सकते हैं रियासत के साथ वही हैं। जब तक सियासी पार्टियां ये नहीं सीखेंगी कि ये हमारे जेर नहीं है, ये रियासत का हिस्सा है, हम इनसे काम ले सकते हैं, वो काम जो कि आइडेंटिफाई कर दिया गया आइन के अंदर और कानून के अंदर, कानून के अंदर रहते हुए ले सकते हैं, जब तक वो ये काम नहीं करेंगी उस वक्त तक वो इस निज़ाम को खुद ब खुद करप्ट करती रहेंगी, अंडरमाइन करती रहेंगी, जो कि आज तक हो रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो आपने सवाल किया वो असल बीमारी है, वो बीमारी नहीं है, वो सिर्फ इजहारिया है, वो सिम्टम है। जो असल बीमारी है वो ये है कि आपका सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और सिवाय इलेक्शन के उसको दोबारा से मिला के दोबारा रिस्ट्रक्चर करने का और कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सज्जाद मीर साहब, सियासी महाजरा इतनी बढ़ गई है, विफाक का जवाब सूबों में दिया जा रहा है, जो असम्बलियों में मसाइल हल होने वाले हैं वो अब अदालतों में हल होते देख रहे हैं। देखिए, मैं मुख्तसर जवाब दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि वक्त पहले ही कम रह गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह करेंगे जिस तरह इसका जिक्र हो रहा है, तो शहजाद चौधरी साहब ने ठीक कहा कि हमारा सियासी निज़ाम बिखर चुका है। जब सियासी निज़ाम बिखर चुका है तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है? शहजाद साहब कहते हैं कि इलेक्शन करवा दो। मसले का हल ना हो, पहले तो आपको निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि एक सूबे में कुछ हो रहा है, मुना ने बताया था दूसरे सूबे में कुछ हो रहा है, तो सिंध वाले कुछ करते थे, पंजाब वाले कुछ करते थे। भाई ये तो आप आठवीं तरमीम के खिलाफ बात कर रहे हो, और आठवीं तरमीम के हवाले से बहुत सी रिजर्वेशन बहुत से लोगों को, बहुत से इदारों को हैं। वो कहते हैं कि नया मुआहदा मनानी लिखें, बल्कि नया आइन बनाएं। ये सारी सूरत जिस कन्फ्यूजन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, जिस थिंकिंग को हम हवा दे रहे हैं, उसका कोई अच्छा निज़ाम नहीं निकलेगा। ये अगर आ जाए इलेक्शन करा लें और 2/3 से आ जाए इमरान खान, तो आपका क्या ख्याल है मुल्क समुद्री चलने लगेगा? आपका क्या ख्याल है कि जब तक आप पीटीआई का कल्चर नहीं बदलेंगे पीटीआई इस मुल्क पे रूल कर सकती है? आपका क्या ख्याल है माजी का उनका रिजल्ट ऐसा है कि उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर हम उन पर तवक्को करें तो वो कुछ कर सकते हैं? मैं ज्यादा इल्जामात नहीं लगाना चाहता कोई एक्सट्रीम राइट है या कोई क्या है क्या नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई अपने मुल्क की सियासत को ठीक करो पहले। अगर आपने की बसात लपेटने वाले हैं, और याद रखो इस वक्त इस बार वो नहीं आना, इस बार मार्शल्ला नहीं आना। अगर आपने जमहूरियत की बसात लपेटी तो आप सत्यानाश कर लेंगे अपना, और हम करने जा रहे हैं। हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। हम छोटी मोटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इमरान को दीवार से लगाने के लिए ये किया जा रहा है, या इन लोगों को डिसलॉज करने के लिए इमरान ये कर रहा है। देखिए, जारहाना पॉलिसी जो है, वफाहमाना पॉलिसी जो है, वही चल सकती है। जारहाना पॉलिसी से जमहूरियत जो है मौजूदा हालात में कम अज़ कम पाकिस्तान में पनप नहीं सकती। और अगर आपने जमहूरियत को देखना है तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, वरना सूबे आप ही लगाएंगे, वफाक आप ही लगाएगा। ये देखा था हमने 70 में भी, जब बेनज़ीर आई थी और सूबे में पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और रिसीव करने नहीं जाता था नवाज शरीफ उसको, वज़ीर आज़म को, और बहुत सी बातें मुझे याद हैं। लेकिन ये रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला फिर उनके अंडरस्टैंडिंग हुई कभी मुल्क को चलाना है, सियासत को चलाना है, तो फाहमो, अब उस फाहमो तफहीम का नाम इन्होंने मुख मुका कर दिया। अब देखिए, कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ पैरामीटर हमें तय कर लेने चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए। अगर उसके मुताबिक चलेंगे तो हालात ठीक रहेंगे, वरना इस मुल्क की सियासत का जो हाल हो गया, शहजाद चौधरी साहब ने जिसका जिक्र किया है, वो यकीन तौर पर ऐसा नहीं है कि मुल्क जमहूरियत के रास्ते पर सलामती के साथ चल सके। हुकूमत है इस पोजीशन में कि वो भी इमरान खान साहब की जारहाना पॉलिसी के जवाब में जारहाना रवैया अपनाए? मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने अपना कार्ड खेल दिया है, और उसका अब देखिए, जब आप कोई अपना कार्ड खेल लेते हैं तो अब अगले के पास हक चला जाता है कि उसके जवाब में क्या कार्ड खेलता है। इसका मतलब होता है कि जब आप पहला अपना पत्ता या जो भी पत्ता आपके पास है फेंकेंगे, तो अब देखना यह है कि वो क्या पत्ता फेंकेगा। यानी आपने स्पेस और जगह सीड कर दी, दे दी उसको दूसरे को कि यार अब, और आपको ये नहीं पता कि वो क्या पत्ता खेलेगा, तो ये गंदी बुरी सियासत है, ये अच्छी सियासत नहीं है। यानी ये सियासत कमजोरी की सियासत है। आपने जारहाना अमल किया, आपने कहा कि इसको दीवार से लगाओ, आपने कहा ये इस काबिल नहीं है कि इसको सियासत करने दी जाए, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, वगैरह वगैरह, क्या क्या नाम हमने नहीं सुने। जब आप यूँ करेंगे, और उसके साथ एक ऐसा आदमी है जिसमें जम्मे गफीर लेके अपने पीछे चल रहा है, वो किसी तरफ भी मुड़ जाए उसके पीछे वो सारी दुनिया चल पड़ेगी, तो क्या बनेगा हमारा? कौन रोकेगा उसको? क्या हम ये चाह रहे हैं कि जो 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 लॉ इन्फोर्समेंट अदारे हैं उनका और इनका आपस में टकराव हो जाए? क्योंकि वो जब मुल्क को डूबते देखेंगे, अल्लाह ना करे, या उसको बिखरते देखेंगे मुल्क को, तो वो फिर उनको मजबूरी पड़ जाएगी कि वो, याद रखें श्रीलंका में क्या हुआ था, उन्होंने भी आर्मी डिप्लॉय की, वो जब वो सारे के सारे लोग गए, वो आर्मी साथ मिल गई, उनको पानी पिलाना शुरू हो गया।
यार खुद कुछ थोड़ा सा कुछ सोचे कि मैं एग्री करता हूँ सजाद मीर साहब से, असल में जब तक पैरामीटर्स आप आपस में एग्री नहीं करेंगे किसी सियासत के तरीके के असूल के, कहीं ना कहीं पे रुकेंगे नहीं, उस वक्त तक जब आप रूल्स ऑफ द गेम नहीं तय करेंगे तो फिर खेल कैसे चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो करने की जरूरत है बजाय इसके कि हम अपने आप को नए इम्तिहानों में डालते रहें और देखें और ये देखते रहें कि अच्छा ये पत्ता मैंने फेंक दिया, आप देखो इसके जवाब में इमरान खान क्या पत्ता फेंकता है, फंसेगा या नहीं फंसेगा, कोई इसके खिलाफ गोली मारेगा या क्या होगा या ये तबाही बर्बादी कर देगा वगैरह वगैरह वगैरह, अल्लाह ना करे कि सारी चीज़ें किसी भी तरीके से। मुना आप समझती हैं हुकूमत भी एग्रेसिव पोजिशन में है या जैसे शहदाद चौधरी साहब कह रहे हैं हुकूमत ने अपना पत्ता फेंक दिया, इमरान खान साहब जवाब देंगे उसका? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत अग्रेसिव पोजीशन में है और मुझे लगता है वैसे होना भी नहीं चाहिए। इस हुकूमत के लिए डायनामिक्स कुछ और भी मुख्तलिफ हैं इस वजह से कि आपको पता है कि ये एक चलती हुई हुकूमत को इन्होंने घर भेजा और फिर ये एक ये लोगों को कह के आए कि तसल्ली देकर और वादे करके कि हम उनसे बेहतर आपको रिलीफ देंगे, हम उनसे बेहतर आपके लिए सहूलियात पैदा करेंगे, महंगाई कम करेंगे, जो आपका तर्ज ज़िंदगी है वो बेहतर करेंगे, मयारे ज़िंदगी बेहतर करेंगे। तो इन्होंने गोया ये कि मैंडेट तो नहीं लिया था ना फ्रेश, लेकिन ये कि ये लोग एक उम्मीदें देके आए थे जिसकी वजह से इन्होंने एक इन हाउस आप इसको कह लें कि इन्होंने चेंज करके अपने आप को ये लोग लेकर आए और पिछले वालों को उन्होंने घर भेजा। तो इनके लिए तो मुझे लगता है और ज्यादा ये मतलब मैं नहीं समझती कन्वेंशनल हुकूमत है ये, तो इन्होंने मिड वे एक चेंज किया ना, ट्रांजिशन किया और वो जिस बुनियाद पर किया वो यही कुछ बातें थी जो मैंने आपसे गुजारिश की जो इन्होंने वादे किए थे। तो इनको तो उन वादों को सर्व करना है, अगर इन्होंने जारहाना होना है तो अपने उन वादों की तरफ होना है जो कि ये लोग एक्चुअली उस वक्त करके आए हैं और मिड वे इन्होंने एक स्टेबिलिटी को ख़त्म किया। इसमें तो कोई शक नहीं ना कि एक स्टेबिलिटी थी, 5 साल अगर कोई भी वजीर आज़म मुकम्मल कर लेता तो मुझे लगता है कि आने वाले तमाम वज़रा आज़म के लिए एक ये मामला आसान हो जाता और एटलीस्ट हमारी ये जो गलत तारीख है तमाम सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स के हवाले से कि कोई भी अपनी 5 साल मुदत पूरी नहीं कर पाया उस तारीख में भी अच्छाई हो जाती। लेकिन शायद आई डोंट नो हमारी सियासत ये जो इनकी सोच है ये इतनी नैरो है कि ये लोग सिर्फ अपने जात के लिए सोचते हैं, शायद इनके दिल में ये आया हो कि हम क्यों इमरान खान को वो पहला वजीर आजम बनने दें जो कि अपनी मुद्दत पूरी करे। और इन्होंने दूरस्थ होकर नहीं सोचा कि यार अगर हम ऐसा करने देंगे तो आगे आने वाले अगर हमारा कोई वजीर आजम होगा उसको भी कोई हाथ नहीं लगा पाएगा और उसको भी हम बोलेंगे कि भाई अगर पिछले अगर रिवायत अगर पड़ चुकी है तो अभी इस रिवायत को आगे चलाएं। तो इन्होंने अपने लिए दूर अंदेश होकर नहीं सोचा, इन्होंने एक लिमिटेड सोच रखी कि नहीं अभी इनको हटाएं। तो इसलिए अगर इनको जारहाना होना है तो मुझे तो लगता है इन्होंने अपने वादों के लिए जारहाना होना है। ऑपोजिशन का तो काम है, ऑपोजिशन के पास तो कोई हुकूमत नहीं है, खैर इनके पास अब सूबों में है, इनको भी अब जारहाना सूबों में होना है क्योंकि इन्होंने अपने जाहिर है जमे गफीर लेके इन्होंने अपने अपने इलेक्शन वगैरह अपने हक में कर लिए, पंजाब की हुकूमत भी ले ली, बहुत बड़ा मार्का था। लेकिन अब इनको भी चाहिए कि अब अपने कुछ वादों को वफा करें क्योंकि जो ये तनकीद करते थे उनके ऊपर पिछले वालों के ऊपर इन उनसे क्या ये मुख्तलिफ कर सकते हैं। और ये अब अपने इतनी जो बड़ी पॉपुलेशन जो इनके साथ है या जो अवाम इनके साथ है उनको भी तो इन्होंने जस्टिफाई करना है ना कि हम भाई आपको धोखा देने के लिए नहीं आए थे, हम अपनी सियासत जाती सियासत चमकाने के लिए हमने आपको अपने पीछे नहीं लगाया हुआ था, हम वाकई आपको सर्व करना चाहते थे। तो मुझे लगता है इन दोनों को जारहाना होना है लेकिन अवाम के लिए जारहाना हो, एक दूसरे के गले पकड़ने के लिए ना हो। बिल्कुल ठीक है मोना, आपका पॉइंट है। सज्जाद मीर साहब आपने ही नुक्ता उठाया था, मुख्तसर आपका भी जवाब चाहूंगा, हुकूमत है जारहाना मूड में? आपने कहा कि हुकूमत भी जारहाना जवाब देगी जैसे तहरीक इंसाफ करेगी, तो हुकूमत इस पोजीशन में है? मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ। बात यह है कि जारहियत का आगाज किसने किया, पहले इमरान ने किया या पहले हुकूमत पे जो लोग मौजूद है उन्होंने किया, ये बात तय होने वाली बाकी है। का ये है कि उस वक्त अगर जो मुल्क की सूरत हाल है इसमें अगर जारहाना रवैया एक का भी रहता है या दूसरे का जवाब में जारहाना रवैया होता है, काउंटर जारियत दिखाई जाती है, तो मुल्क जमहूरियत के रास्ते पर आसानी के साथ चल नहीं पाएगा। हमारी सियासत जो है शहदाद चौधरी साहब का लफ्ज़ को मैं दोहराता हूँ, बिखरती जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ सियासत बिखरेगी तो मीशत भी बिखरेगी और हमारी सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, तो पैदा होना शुरू हो गए हैं। हमें इस लिहाज से अपने इन मामलात पे असर नौ गौर करना चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, मुना आलम साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।